Welcome back. My name is C. S. Shantanu. I welcome you all to the particular subject which is called as resolution of corporate dispute, non-compliance and remedies. So, आज I think हम लोग chapter 1 का part number 2 discuss करेंगे. इससे पहले वाला जो part था, which was the part number 1, जिसको मैंने introduction भी उस समय कहा था. So, उसमें हमने, मुझे जहां तक याद है, उसमें हमने generic तौर पे इस chapter में, which is the chapter number 1, शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी एंड कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स के बारे में थोड़ा सा जेनरिक तौर पे समझा था कि शेयरहोल्डर्स क्या होते हैं एक्चुअली और डेमोक्रेसी का यहाँ पे क्या मतलब है, क्योंकि ज़्यादातर जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो शायद इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रेफर करते हैं और उसके बारे में हम काफ़ी बात करते हैं. बट डेमोक्रेसी आई सपोज अगर मैं एक जनरल तौर पे भी कहूँ तो डेमोक्रेसी ये है कि जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी है, आप उसको कर पाए. ये बात जो है ये यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती, इसके आगे भी जाती है. तो जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी है, वो आप कर पाएँ, प्रोवाइडेड वो लीगल हो, वो वैलिड हो, वो जेन्युइन हो, वो बोनाफाइड हो, या इनसे रिलेटेड वर्ड मीनिंग के अंदर फॉल करता हो. सो कुछ भी करना इज अलाउड, बट देन वो कुछ भी ऐसा होना चाहिए जो किसी लेजिस्लेटिव इंटेंट को नुकसान ना पहुंचाए. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम यहाँ पे शेयर होल्डर्स की डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं तो फॉर श्योर शेयर होल्डर्स की पावर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि उनकी पावर्स कहाँ तक है, वो क्या कर सकते हैं, क्या उनका एक तरीके से आइडेंटिटी है कंपनी के अंदर, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं. अब देखिए दूसरा क्योंकि लिखा है शेयर होल्डर डेमोक्रेसी एंड डिस्प्यूट, इसको पढ़ने के बाद डायरेक्टली मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा जहां पे हमने लास्ट क्लास में एंड अप किया था. तो लिखा है कि कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, तो शेयर होल्डर डेमोक्रेसी तो एक हो गया, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट. देखिए मैं कॉर्पोरेट डिस्प्यूट फॉर श्योर सभी को पता है, कंपनी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज आएंगे, कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी, दिक्कत आएंगी, टकरार होगी लोगों के बीच में, वो डिस्प्यूट होगा. अब देखिए सवाल ये उठता है कि सारे के सारे शेयर होल्डर्स हैं और सभी ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो दिक्कत क्यों आएगी, आपस में क्यों लोग ये लड़ेंगे. ये इसलिए क्योंकि कुछ दो गुट में या दो पार्ट्स में शायद डिवाइड हो जाएंगे, कुछ लोग अपने आप को मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स की कैटेगरी में ले आएंगे जबकि कुछ ऐसे होंगे जो माइनॉरिटी में आ जाएंगे. तो फिर वहाँ पे पावर्स के साथ साथ ईगो क्लैशेस भी होते हैं जिसकी वजह से जो अल्टीमेट पर्पस था वो ये कि हम कंपनी को आगे कैसे बढ़ाएं वो कहीं पीछे रह जाता है, बट जो शेयर होल्डर्स की अपनी नीड है वो सामने आने लगती है. तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि नॉट ओनली इन इंडिया बट ओवरसीज एक केस लॉ बहुत ही फेमस हुआ जिसके बारे में हम नीचे बात करेंगे, जिसके बेसिस पे ये तय हुआ कि माइनॉरिटी सच में बहुत बड़ी चीज़ है और जहाँ मेजॉरिटी सच में बहुत बड़ी चीज़ है और जहाँ मेजॉरिटी एक साथ हो जाती है फिर वहाँ पे माइनॉरिटी की कोई खास सुनवाई नहीं है या कोई खास सुनता नहीं है हमें. पर इतना कहने के बाद ये भी हम रियलाइज करेंगे कि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि अल्ट्रा वायरस का नाम आपने सुना होगा. एक चीज़ है इंट्रा और एक है अल्ट्रा वायरस. जब भी अल्ट्रा वायरस की बात करते हैं तो कह देते हैं नोबडी इज अबव लॉ यानी बियॉन्ड द पावर्स. तो ऐसा काम जो कोई नहीं कर सकता, डज नॉट रियली मैटर कि आप मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के पार्ट से आ रहे हैं या माइनॉरिटी, नहीं कर सकता मतलब नहीं कर सकता. तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और काफ़ी सारी और चीज़ें डिस्कस करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 विच इज कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी एंड कॉर्पोरेट राइट्स. मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट क्लास में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ का पार्ट है कि वो अपनी ड्यूटीज़ को समझें और उसके बेसिस पे कंपनी को आगे बढ़ाएं और साथ साथ कंपनी के हित में, कंपनी के ऐसे कह सकते हैं इंटरेस्ट में काम करें. फिड्यूशरी का मतलब ही होता है ट्रस्टवर्दी. आप देखिए कि आप एक दिन में, एक महीने में अलग अलग लोगों से मिलते हैं बहुत बार, सब लोग उतने ट्रस्टवर्दी आपको नहीं लगते मिलने के लिए आपके, या ऐसे कह दीजिए चलिए कि कहने के लिए आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं पर उन फ्रेंड्स में से कुछ होंगे या बहुत रेयर होंगे जिन पे आप विश्वास कर सकते हैं. मतलब ठीक है कहने के लिए हम जरूर कह सकते हैं कि आई ट्रस्ट यू, बट इंटरनली हमें शायद कहीं ना कहीं पता है कि कौन कितना ट्रस्टवर्दी है. तो यहाँ पे डायरेक्टर से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो हमेशा और हमेशा कंपनी के फायदे के बारे में पहले सोचें, इससे पहले कि वो अपना फायदा सोचें वो कंपनी के फायदे के बारे में सोचें. क्योंकि फॉर श्योर मुझे ऐसा लगता है, यह बात आप भी जानते हैं कि कंपनी के फायदे में सबका फायदा है, चाहे फिर वो डायरेक्टर्स हों चाहे फिर वो शेयर होल्डर्स हों, सबका फायदा है. तो चलिए आगे मैं डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ. यहाँ पे लिखा है शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी इज डिपेंडेंट अपॉन द वोटिंग स्ट्रेंथ ऑफ द शेयर होल्डर्स
and also to the great extent the availability of the meeting members attending the general meeting through themselves or through their proxy. This again depends upon the proximity. Proximity means close on a distance and a reachable approach of the registered office of the company to the place of residence of the shareholders. Apart from this, most of the shareholders do not have enough time to spare from the busy schedule to concern themselves with the affairs of the company in which they have invested. मुझे ऐसा लगता है जब मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताया था डिस्कशन के तौर पे, तो मैंने ज़रूर आपसे ये बात करी थी कि भाई जनरली आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए, कहने के लिए आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो ये कह देंगे कि भाई हमने स्टॉक मार्केट में फलाना फलाना कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है. बट दी जनरली मैं ये तो नहीं कहता कि सभी के साथ ऐसा है. जनरली द इंटेंशन इज टू ग्रो द मनी. जो शेयर होल्डर की इंटेंशन है वो ये है कि डिविडेंड मिले, इन्वेस्टमेंट बढ़े, फायदा हो. वो कभी शायद ये देखता है, ऐसे कह दीजिए 10 में से 6 शेयर होल्डर तो शायद नहीं देखते एक सेबी की रिपोर्ट के बेसिस पे कि कंपनी में क्या चल रहा है. उन्हें नहीं पता होता कंपनी के आर्टिकल्स, मेमोरेंडम, मीटिंग क्या कहाँ पे हो रही है. ठीक है, कुछ आया है घर पे, या अगर आजकल ईमेल पे आता है तो आया है तो ठीक है, दे मे जस्ट रीड. बट अल्टीमेटली क्वेश्चन यही होगा कि मुझे कितना फायदा इससे हो रहा है. दूसरा ये रीजन है कि देखिए, सब कुछ काम धंधा छोड़ के आप, मैं फॉर एग्जांपल दिल्ली में हूँ, मैंने कंपनी का शेयर्स जिसका लिया है वो मुंबई में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है. मैं दिल्ली से मुंबई स्पेशली एक वोट के लिए तो नहीं जाऊँगा ना. ये ठीक है कि जरूर वहाँ पे मैं जाऊँगा तो मुझे मीटिंग में बींग अ शेयर होल्डर, वो डिपेंड करता है कितने बजे हो रही है, सारी फैसिलिटीज ऑफर करेंगे. कुछ कंपनीज तो इवन आपको पिक एंड ड्रॉप भी देती है रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से, बस स्टैंड से. बट इन द एंड ऑफ द डे क्या वर्थ है इतनी दूर जाना एक वोट एक्सरसाइज करने के लिए. वो भी तब, सवाल यहाँ पे ये भी है, वो भी तब जब आपको ये नहीं पता कि आपका जो वोट है वो किसी लायक होगा भी या नहीं होगा. तो उनका कह रहा है बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं इन चीज़ों को लेके, और बहुत बार शेयर होल्डर को अवेयर ही नहीं रहता है कि उसके राइट्स क्या हैं, वो कहाँ पे कैसे वोट कर सकता है. तो ये अपने आप में एक सबसे बड़ा इशू है. और इसके ओवर एंड अबव जाके मैंने आपको क्लियर वर्ड्स में कह दिया कि वो बहुत ज़्यादा कंसर्न भी नहीं है कि कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं. कंसर्न इस बात से है कि मेरे पैसे जो हैं वो डूब ना जाएं, वो लॉस में ना चले जाएं, मेरे पैसे जो हैं वो ग्रो करते रहे, यही एक मेजर कंसर्न रहता है. For achieving the shareholders' democracy, the shareholders have to unite and organize themselves on national, state and district levels and get their association registered under Societies Registration Act or any other applicable law so that their voice is heard and they can assert themselves, yani represent themselves and safeguard the interests of the members. So, dekhiye, aapne dekha hoga, aajkal, maine shayad pehle bhi kaha ki high-rise building ka zamana hai. पहले होता था और आज भी कम है, समय के साथ और कम हो जाएगा, कि जब लोग कम होते थे और घर बहुत बहुत बड़े बड़े होते थे पहले एक ज़माने में हुआ करता था. आज आप देखिए फ्लैट्स का कल्चर है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक 15-20 स्टोरीज के फ्लैट्स बन जाते हैं. अब फ्लैट का कल्चर क्यों आया? बिकॉज जगह कम है, तो यही हो गया कि चलो ऐसे बनाना स्टार्ट कर देंगे. क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, बट पॉपुलेशन बढ़ गई, जगह कम हो गई, लैंड के प्राइसेस बढ़ गए, तो फिर इस तरीके से ही कुछ हुआ. मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस भी आप सोसाइटी के बारे में, जहाँ पे भी ऐसे फ्लैट्स का कल्चर है, आप वहाँ पे भी देखेंगे तो जो सोसाइटी के लोग होंगे ना, उन्होंने भी RWA करके होता है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वगैरह करके, वो रजिस्ट्रेशन उसमें करा रखा होगा कि वो अगर कोई भी बात होती है तो डेफिनेटली एज एन होल सोसाइटी के तौर पर रिप्रेजेंट कर सके. जैसे कि क्या एग्जाम्पल, जैसे कि क्या कि स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही है आपकी सोसाइटी के अंदर, और वो किसी म्यूनिसपैलिटी जो भी जगह है, जैसे दिल्ली है या नोएडा है या जैसे भी है, जहाँ पे भी रहते हैं, वो उनका काम है. आप अकेले जाएंगे, पहली बात तो जाए कौन एक अकेला बंदा पूरी सोसाइटी के बिहाफ पे? तो कोई जाएगा नहीं. जाएगा भी तो कोई बहुत परवाह नहीं करेगा, क्योंकि एक अकेले की कोई पूछ ही नहीं है, पूछता नहीं कोई. बट जब यूनाइट हो जाएंगे तो क्या होगा, फिर एक तरीके से ज़्यादा प्रेशर बना सकेंगे, हमारा जो इफेक्ट है वो सामने वाले पे ज़्यादा आ सकेगा. तो उन्होंने भी यही कहा कि अगर शेयर होल्डर्स, डज नॉट रियली मैटर कि माइनॉरिटी या मेजॉरिटी, अगर एकजुट होके फैसला लेंगे तो फिर शायद एक अलग नज़रिए से कंपनी चल पाएगी. क्योंकि डायरेक्टर्स को भी पता होगा कि हम शेयर होल्डर्स के साथ एक पहले कहते थे डिवाइड एंड रूल, जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था तो कहते थे वो ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेके आते थे. तो वो कह दिया कि वो नहीं हो पाएगा, वो एक साथ आ जाएंगे तो यूनिटी हो जाएगी, तो काफी अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग डिसीजंस एप्लीकेबल हो पाएंगे.
मेजॉरिटी पावर्स एंड माइनॉरिटी राइट्स. लिखा है कि कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन विद नो फिजिकल एग्जिस्टेंस फंक्शन थ्रू द इंस्ट्रूमेंटलिटीज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु इज गाइडेड बाय द विशेस ऑफ द मेजॉरिटी सब्जेक्ट ऑफ कोर्स टू द वेलफेयर ऑफ द कंपनी एज अ होल. देखिए इसमें कोई दोराय नहीं है कि अगर एक डिसीजन पूछा जाता है अपनी नॉर्मल लाइफ में भी, आप चार मान लीजिए पांच फ्रेंड्स हैं इंक्लूडिंग यू, सवाल उठता है कि यार अभी ऑफिस से छुट्टियां लेके चलो कहीं घूमने चलते हैं या अभी सीएस के पेपर हो गए ट्रेनिंग, एज एंड व्हेन जैसे जिसका हिसाब है जिस पोजीशन पे हम उस समय हैं जिस सर्कमस्टेंसेस पे उस समय है, हमने कहा कि यार चलो ठीक है घूमने चलते हैं, तो कोई किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा, अब इतनी सारी जगह तो जा नहीं सकते शायद, समय है बजट है बहुत सारी और चीजें, तो हमने कह दिया यार एक काम करते हैं मेजॉरिटी से डिसाइड करते हैं बताओ ये वाली जगह पे कौन जाना चाहता है, तो जितने भी लोग हैं वो डेफिनेटली बताते हैं और फाइनली बहुत बार हम इस बेसिस पे कंक्लूड करते हैं चीज़ों को खत्म करते हैं कि भाई देखो जो सबसे ज्यादा बंदे कहेंगे वही चीज़ हम लोग मान लेंगे. क्यों आप करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी एक प्रिंसिपल बहुत पुराना है और सुना आप काफी बार होगा कि मेजॉरिटी ऑलवेज विंस, वही चीज़ यहाँ पे भी है कि मेजॉरिटी की जो बात है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी क्योंकि अल्टीमेटली वो एक ऐसा ग्रुप है जो एक साथ खड़ा है और एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा प्रेशर बना रहा है, जबकि माइनॉरिटी में राय बटी हुई है. जैसे कि मैं ऐसे कहूँ कि मेजॉरिटी फ्रेंड्स के तौर पर समझा रहा हूँ क्योंकि ये तो देखिए पूरा पूरा चैप्टर हमने पूरी बुक कॉर्पोरेट तौर पर ही पढ़नी है और इसको मैं लिंक भी कर दूंगा, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि सर तो ये फ्रेंडशिप के लेसन पढ़ा रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं. मेरी क्लासेस में आप ये बात देखेंगे, अभी तो ये आप ग्रुप टू देख रहे हैं. अच्छा ग्रुप टू से मुझे याद आया अपना ग्रुप वन जैसा आपको पता होगा वो कंप्लीट है एक्सेप्ट टैक्सेशन, वी मे लॉन्च टैक्सेशन एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम बट ड्राफ्टिंग एंड एथिक्स इज कंप्लीट. ग्रुप थ्री जो हमारा है उसमें तीन सब्जेक्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी कॉर्पोरेट फंडिंग एंड देन इलेक्टिव में आईपीआर दैट इज ऑल्सो कम्प्लीट. ग्रुप टू आप यहाँ पे इस समय देख ही रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सी एस प्रोफेशनल के लिए आने वाले दिनों में अगर एक वन स्टॉप सोल्यूशन होगा दैट विल बी एफ सी एस शांतनु भंडारी, बिकॉज इतने सारे सब्जेक्ट्स कोई भी एक फैकल्टी अकेले जनरली पढ़ा नहीं सकती, बिकॉज उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करना है और हार्डवर्क करना है जिसमें एफ सी एस शांतनु भंडारी पीछे नहीं हटता. खैर तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अब मेजॉरिटी को हम क्यों प्रेफरेंस देते हैं, देखिए मेजॉरिटी को इसलिए प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि उनकी एक राय है. अब कंपनी को तो आगे बढ़ाना है, आप जानते हैं कि आगे नहीं बढ़ेगी कंपनी कुछ नया नहीं करेगी तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि वो ऑब्वियसली आउट ऑफ द रेस ही हो जाएगी, तो आगे तो बढ़ाना ही है. अब सब लोग अलग अलग बात कह रहे हैं, सारी बातें तो मानी नहीं जा सकती, तो जो लोग एक राय के साथ कंपनी के सामने आते हैं कंपनी जनरली वो बात सुन के आगे बढ़ जाती है. फॉर श्योर जब हम कंपनी के बारे में बात करें तो इसमें भी कोई दोराय नहीं है कि कंपनी एज यू ऑल नो इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, सो डायरेक्टर्स आर टेक्निकली कॉल्ड एज द ब्रेन्स ऑफ द कंपनी, या ऐसे कह दीजिए कि हैंड्स एंड ब्रेन्स ऑफ द कंपनी, जबकि शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो एक तरीके के ओनर्स होते हैं जो एक तरीके से आपको ये बताते हैं कि वट वुड बी दी बेस्ट थिंग, बट देन डायरेक्टर्स आर डे टू डे इन चार्ज, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं. इट इज देयरफॉर अ कार्डिनल रूल ऑफ कंपनी लॉ that a prima facie the majority of the members of the company are entitled to exercise the power of the company and generally to control its affairs. So obviously company जो है उसके पास सबसे ज़्यादा right है कि जो majority shareholders हैं majority members हैं कि वो company को आगे बढ़ा सकें. The resolution of the majority of shareholders passed at the duly convened and held general meeting upon any question with which the company is legally competent to deal is binding upon the minority and consequently matlab as a result of which, likh lo as a result of which, as a result of which the company. तो ऑब्वियसली मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए कि अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स की बात मान ली जा रही है जनरल मीटिंग में वोट कराया गया और स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ, सभी जानते हैं कि स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 75%. तो इस तौर पे अगर कोई भी चीज़ पास हो गई तो अब वो किस किस पे बाइंडिंग है, जो डिसीजन स्पेशल रेजोल्यूशन से पास हुआ है जिन्होंने पास किया है जो इसके फेवर में थे या जैसे भी था उन पे तो ये बाइंडिंग है ही है, जो एक तरीके से ऐसे कहते थे जो अग्रीड नहीं थे उन पे भी बाइंडिंग हो जाएगा, ऑल इन ऑल कंपनी पे बाइंडिंग हो जाएगा. मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं भाई,
पांच में से तीन लोग कहते हैं कि ये काम कर लो, तो अल्टीमेटली जो तीन जो कह रहे हैं कि ये कर लो, उनपे तो ये चीज एप्लीकेबल है क्योंकि वो खुद ही सजेस्ट कर रहे हैं। जो दो बचते हैं उनको अगर साथ में रहना है तो मानना पड़ेगा। और टेक्निकली अगर देखा जाए तो फिर पांचों का अब अलग अलग डिसीजन नहीं है, पांचों का एक ही डिसीजन हो जाएगा जो कि पहले तीन का था। समझ रहे हो ना मेरी बात? पहले ये डिसीजन सिर्फ तीन लोग का था, बट क्योंकि मेजोरिटी उस तरफ हो गई तो दो को अल्टीमेटली मजबूरी में आना ही पड़ा और वो मिलना पड़ा उनको, दो को मतलब जो अगेंस्ट है उनको बात माननी पड़ी। तो अब ये डिसीजन ये निकाल जाएगा तीन का है, अब ये पूरे पांच का डिसीजन हो जाएगा। तो यही चीज है कि जब भी मेजोरिटी कोई चीज डिसाइड करेगी, इट इज नॉट द डिसीजन ओनली ऑफ मेजोरिटी। वो मेजोरिटी का डिसीजन इनिशियली था, पर जब मेजोरिटी ने डिसीजन लिया, माइनॉरिटी हार मान गई क्योंकि उनके पास सपोर्ट नहीं था, तो माइनॉरिटी को भी वो बात माननी पड़ी। एज अ रिजल्ट वो पूरे के पूरे शेयर होल्डर्स जो है, जो अब मेजोरिटी और माइनॉरिटी नहीं रहे, अब वो सिर्फ शेयर होल्डर्स हो गए, उनका डिसीजन हो गया, या यूं कह दीजिए कि अब वो पूरी कंपनी का डिसीजन। Members enjoy wide powers but subject to some restriction, namely a company cannot legally authorize or rectify any act which goes outside the ambit of memorandum and is ultra vires to the company. The resolution of the majority must not be inconsistent with the provision of the act or any other law or legislative framework. I think agar main aise kahun isme shayad samajhne mein koi dikkat nahi aani chahiye कि जब भी हम बात करते हैं कि कंपनीज एक्ट बड़ा है, या मतलब कंपनीज एक्ट की ज्यादा पावर है, या किसी भी कंपनी के आर्टिकल्स या मेमोरेंडम की, या यूं कह दीजिए कि क्या कंपनी एक्ट जो है, वट एवर द ईयर इज, अभी 2013 है, 16 है, 19 है, आने वाले समय 2025 हो, जो भी है, हम कंपनीज एक्ट को ले रहे हैं, ईयर नहीं बोल रहा मैं क्योंकि ईयर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर कंपनीज एक्ट है रिस्पेक्टिव ईयर, कोई भी ईयर में आया है वो, और उसके अंदर जो चीजें लिखी हैं उसका कंपैरिजन किया जाए किसी भी कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल से, और ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या मेमोरेंडम एंड आर्टिकल जो है वो कंपनीज एक्ट को ओवर रूल कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या मेमोरेंडम एंड आर्टिकल जो है वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को ओवर रूल कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं क्या? आपका जवाब होगा नहीं। आप पूछा जाएगा क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नहीं कर सकते, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में पास पावर क्यों नहीं है? क्योंकि आप कहेंगे देखिए कंपनीज एक्ट एक ऐसा लॉ है या लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है जो कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स को बर्थ देता है, जो कि उनको ओरिजिनेट करता है, जो कि उनको इनकॉर्पोरेट करता है। तो सारी पावर्स जो है जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में लिखी है वो सारी कंपनीज एक्ट से आई हैं और हमेशा आएंगी। तो कंपनीज एक्ट जरूर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के ऊपर एक तरीके से ओवर रूल कर सकता है, बट कभी भी ये नहीं हो सकता कि आर्टिकल्स या मेमोरेंडम एज अ केस में भी कि वो कंपनीज एक्ट को ओवर रूल करे, दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी एट ऑल। तो ये एक ऐसी चीज है जो डेफिनेटली हमें समझने की है कि जरूर मेजॉरिटी का पूरा समय हम यहाँ पे आप आज बात करेंगे, आने वाली क्लासेस में हमेशा मेजॉरिटी की तारीफ करेंगे कि मेजॉरिटी ये कर सकती है, वो कर सकती है, माइनॉरिटी को मानना पड़ेगा, बट एक जगह ऐसी भी आ जाएगी, कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन आ जाएंगे कि मेजॉरिटी होगी मेजॉरिटी, 10 में से 8 लोग कह रहे हैं ठीक है ये, और 10 में से 8 लोग मतलब 80% लोग अग्री कर रहे हैं तो वो चीज होनी चाहिए, बट फिर वही चीज ये भी हमें कंसिडर करना होगा कि जो 10 में से 8 लोग कह रहे हैं चाहे हाँ चाहे ना, ये किस चीज के बारे में हाँ या ना है? क्या ये ऐसा तो कुछ नहीं करना चाह रहे जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के बेसिस पे अलाउड ही नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर इनको ये चीज करने नहीं दी जा सकती। उस केस में नंबर से 10 में से 10 भी हो फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी एक लिमिट तक तो आपका काम कर सकती है, बट उसके बाद उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, ये काफी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ अ केस लॉ कह दीजिए, फॉस वर्सेस हॉबॉटल, और इसका क्रक्स जो है वो नीचे पड़ेंगे, बट जनरली इसी के बारे में बात करता है कि मेजॉरिटी का जो रूल होगा वो माइनॉरिटी को मानना होगा। ये मैंने एक लाइन में बता दिया, अभी आप देखेंगे नीचे इसी के बारे में दो या तीन कम से कम पेजेस के तौर पे अलग अलग तौर डायरेक्शन पे चीजें पढ़ी जाएंगी, पर अल्टीमेटली अगर आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो वो यही है कि मेजॉरिटी जो है उसका जो डिसीजन होगा वो माइनॉरिटी को मानना ही होगा। Having said that, मैं यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई कर दूं, although अभी पढ़ेंगे तो चीजें सामने आएंगी कि जरूर ये बात ठीक है कि मेजॉरिटी का डिसीजन माइनॉरिटी को मानना है, बट फिर जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे कि अल्ट्रा वायरस ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट,
रॉन्ग डूइंग, ये सब चीजें हैं। या हमने सुना होगा प्रिजुडाइज, प्रिजुडाइज मतलब अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एज अ होल। तो मेजोरिटी अगर अपने फायदे के लिए कोई काम कर रही है और उस फायदे के अंदर कंपनी एज अ होल का नुकसान है, तो भले मेजोरिटी एक तरफ क्यों ना हो जाए और भले ये फॉस एंड हॉप बॉटल का रूल ये भी क्यों ना कह दे कि मेजोरिटी हमेशा ही सही है, बट इन दैट केस जब कंपनी का फायदा नहीं है और कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट बात हो रही है, तो फॉर फॉस एंड हाफ बॉटल का जो रूल है वो अप्लाई नहीं किया जा सकता। ये सब तब चल सकता है जब मेजोरिटी के जो डिसीजंस हैं वो कंपनी के इंटरेस्ट में हैं। जिस समय भी वो कंपनी के इंटरेस्ट के बियॉन्ड जाते लगेंगे, फिर कोई मेजोरिटी नहीं, कोई माइनॉरिटी नहीं, सब गलत माना जाएगा। यहाँ पे देखिए जो मैं बात कर रहा हूँ उस तौर पे लिखा भी हुआ है इलीगल और अल्ट्रा वायरस एक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा एक्सेप्शंस, क्योंकि जनरली हम क्या कहते हैं, मैंने अभी बताया मेजॉरिटी डिसीजन विल प्रिवेल, बट ये जो है ये एक्सेप्शन है जहाँ पे मेजॉरिटी भी कुछ नहीं कर पाएगी। 10 में से 9 लोग भी हाँ बोलते हैं, उनकी हाँ की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, बिकॉज जो वो 10 में से 9 लोग काम करना चाह रहे हैं वो कुछ ऐसा काम है जो इलीगल है, जो मैलाफाइड है, जो बियॉन्ड द पावर्स है, जो कोई कर ही नहीं सकता। तो फिर 10 के 10 लोग भी उस चीज को हाँ बोल देंगे, तभी वो चीज गलत रहेगी। आप देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। कोई कहता है कि भाई मेरी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने जाके बैंक कुछ लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ या जैसे भी प्लान बनाया और बैंक लूटा मैंने। अब जब पकड़ लिया गया तो ये कह रहा है कि भाई मेरी सिचुएशन बहुत ख़राब थी, पैसे थे नहीं तो मैं क्या करता, तो मुझे यही ठीक लगा तो मैंने ये कर लिया। तो एक तरफा अगर आप सोचेंगे तो कहेंगे हाँ यार इसकी पोजिशन ख़राब थी, इसने तभी करा, मजबूरी में आके किया। बट अल्टीमेटली अगर इसको एक फेयर आई से देखेंगे तो आप ये तो कहेंगे चोरी तो चोरी ही होती है, ये चीज यहाँ पे भी है, इलीगल काम तो इलीगल ही है, भले 10 बंदे उसके हाँ में हाँ मिला दें या 10 में से 9 उसके हाँ में हाँ मिलाएं, गलत काम तो गलत ही रहेगा, उसमें सपोर्ट की कोई बात ही नहीं है। तो ये लिखा है सच एन एक्ट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड बाय द मेजोरिटी, इट इज कंसिडर्ड एक्ट विच आर बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट एंड पावर सेट आउट इन द मेमोरेंडम एंड मे ऑल्सो बी इलीगल एंड क्रिमिनल एक्ट्स ऑफ द कंपनी। कुछ यहाँ पे चीजें दे रखी हैं जैसे कि क्या क्या जिसको अल्ट्रा वायरस के प्रोविजंस के अंदर आप लेके आ सकते हैं। मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में कोई भी ऐसी बात लिखी है जो डेफिनेटली आप नहीं मान रहे, या कोई और ऐसा अग्रीमेंट आपने किया है जो आपने खुद अग्री किया था और उसके बाद आप उन चीजों को एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं सिर्फ अपने खुद के पर्सनल फायदे के लिए। जबकि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा अगर यहाँ पे किसी का फायदा देखना है तो वो कंपनी है, मैं आप मेजॉरिटी माइनॉरिटी ये लोग या ये वर्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। आगे बढ़ते हैं, सो यहाँ पे उसी के तौर पर कुछ एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। कोर्ट विल नॉट यूजली इंटरफेयर एट द इंस्टेंस ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द मैटर्स ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड विल नॉट इंटरफेयर विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी by its director so long as they are acting within the powers conferred on them, मतलब जो उनको दी गई हैं जिस powers को use करने का directors के पास right है। In other words, the articles are the protective shield for the majority of shareholders who compose the board of directors for carrying out the object at the cost of the minority. The basic principle of non-interference with the internal management by the court is laid down in the celebrated case of Foss versus Habertal, जो मैं कह भी रहा था that no action can be brought by a member against the director in respect of the wrong to be committed to the company. The company itself is the proper party to the action. अब देखिए इसमें आई सपोज कोई दोराय नहीं है और ये बात हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम आर द टू सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि कंपनी को चाहिए। कंपनी का जो मेमोरेंडम है टॉक्स अबाउट द ऑब्जेक्ट्स जो कि कंपनी बनी है, जिन चीज़ों के लिए जो कंपनी काम करेगी, जबकि आर्टिकल्स इज अ काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट जो कि काफ़ी इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में बात करता है, डायरेक्टर्स का, शेयर होल्डर्स का, ऑडिटर्स का, रिजर्व का, डिविडेंड का, कैपिटलाइजेशन का, जस्ट टू नेम अ फ्यू, इनके बारे में बात करता है अलॉन्ग विद अदर्स ऑब्वियसली नेम एंड ऑल। तो उन्होंने ये कह दिया कि अगर किसी भी तरीके से ऐसा कुछ लगता है कि जो डायरेक्टर्स हैं या जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पावर्स का मिसयूज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया इस चीज को ध्यान में रखते हुए कोर्ट का ये कहना है कि कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा,
जो कंपनी है, जरूर आप ये कहते हैं कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इसका मतलब ये है कि वो अपने आप चल उठ बैठ नहीं सकती, उसकी आइडेंटिटी ऐसी नहीं है जैसे कि हम लोगों की है, बट साथ साथ आप उसी डेफिनेशन के दौरान ये भी कहते हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी, उसका खुद का, या ऐसे कह दीजिए उसकी खुद की एक आइडेंटिटी है। तो उन्होंने ये कह दिया अगर ऐसा कहीं भी लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो राधर देन कोर्ट कुछ करे या कोई शेयरहोल्डर्स कुछ करे, कंपनी के पास खुद ये राइट है कि अपने नाम पे, अपने डायरेक्टर्स पे या किसी भी और कंसर्न पार्टी पे वो केस फाइल कर सकती है। आई थिंक एक ऑब्जेक्टिविटी तो ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिविटी ये भी है कि अगर ये इन सब मैटर्स में मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी कंट्री, हम यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि इंडिया में ऐसा है या फलाना में जगह में ऐसा है, तो मैं कहता हूँ कि किसी भी कंट्री में आप बात कर लीजिए, वहाँ की कोर्ट की या जुडिशियल सिस्टम की जो हालत है वो जनरली अच्छी नहीं रहती है। और स्पेशली अगर इंडिया के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे जानते हैं, वो कहते हैं मैंने अपने ड्राफ्टिंग का जो सब्जेक्ट है इसके बारे में काफी वहाँ पे, बिकॉज ड्राफ्टिंग इज ऑल अबाउट दिस ओनली, कोर्ट से याद है ना प्लीडिंग्स वगैरह जिन बच्चों ने वो क्लासेस देखी हैं, तो प्लीडिंग्स के तौर पे वो कहते हैं एज एन एस्टिमेट के तौर पे ये पढ़ा है मैंने, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ बिकॉज मेरे पास कोई साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट नहीं है, तो ये पहले बता दूं मैं। तो ये कहते हैं कि भाई कोर्ट्स जो है वो लिमिटेड फंक्शनिंग करता है, जज वगैरह उसमें भी इंसान है, छुट्टियां लेते हैं, बहुत सारे और रीजन होते हैं छुट्टियाँ होती हैं कोर्ट की। तो अगर वो कहते हैं कि कोर्ट जो है इंडियन कोर्ट्स के तौर पे कॉन्टिन्यूसली फंक्शन भी करे ना डे एंड नाइट 365, इसको आप 24x7 कहते हैं, विच मीन्स ये कि दिन के 24 घंटे सातों दिन और 365 दिन साल के कोर्ट काम भी करे, इंडियन का जुडिशियल स्ट्रक्चर जो है वो काम भी करे और करता रहे, तब भी 15 से 20 साल लग जाएंगे आज की सिचुएशन के बेसिस पे केस को निपटाने के लिए। ये तब की अजम्पशन है जब हम ये मान रहे हैं नए केस नहीं आएंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए कोर्ट ऑलरेडी उन मैटर्स में इतना ज्यादा फंसा हुआ है कि अपने आप को यहाँ पे लाना नहीं चाहता, पहला रीजन तो यही है। और दूसरा ये कि कंपनी को जब बोला है कि आपकी खुद की पहचान है तो खुद की पहचान का कुछ तो यूज करोगे ना, तो यही हमें यूज करना है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो कंपनी के पास पावर है, वो उसके अगेंस्ट दबाव उठा सकती है। और इस आप कहेंगे सर कंपनी कैसे कर सकती है, कंपनी तो अभी आपने बोला आर्टिफिशियल है, तो हाँ बिल्कुल आर्टिफिशियल है, पर डायरेक्टर्स को सैलरी किस बात के लिए देते हैं या शेयर होल्डर्स अपने आप को ओनर्स किस बात के लिए कहते हैं, क्योंकि फिर वो गलत तो अगर ऐसा आप सोचें कि भाई शेयर होल्डर्स ही ये काम कर रहे हैं और सारे शेयर होल्डर्स इस बात से अग्री है तो फिर वो गलत क्यों रह गया, फिर तो सही हो गया भाई, 100 शेयर होल्डर हैं, 100 के 100 लोग कह रहे हैं कि ये काम हमें करना है, तो ठीक है भाई फिर आप करिए वो काम, फिर तो कोई गलत की गलत और सही की बात तो तब है ना, मेजोरिटी और माइनॉरिटी की बात तब है जब दो राय हैं, जब एक ही है, एक ही एक तरीके से ओपिनियन सबकी बन रही है, तो फिर तो मुझे लगता नहीं कि इसमें किसी भी तरीके से कोई अग्रीव्ड होगा। हाँ ये जरूर है कि सारे के सारे लोग कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जो कि लॉ के प्रोविजंस के बियॉन्ड है, तो फॉर श्योर एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि कोर्ट एंटरटेन कर सकता है। जो ऊपर केस लॉ के बारे में बात कर रहे थे वो यहाँ पे लिखा है, फॉस वर्सेस हॉबर्टल लिखा है, इफ द थिंग्स कंप्लेंट ऑफ इज अ थिंग व्हिच इन सब्सटेंस अ मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू डू, और इफ समथिंग हैज बीन डन इररेगुलरली व्हिच द मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी आर एंटाइटल्ड टू डू रेगुलरली, और इफ समथिंग हैज बीन डन इलीगली व्हिच द मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी आर एंटाइटल्ड टू डू लीगली, देयर कैन बी नो यूज इन हैविंग लिटिगेशन अबाउट इट, द अल्टीमेट एंड ऑफ व्हिच इज ओनली दैट अ मीटिंग हैज टू बी कॉल्ड एंड अल्टीमेटली द मेजॉरिटी गेट्स इट्स विशेस। अब आप एक बात देखिए जो स्पेशली यहाँ पे लिखा भी हुआ, अगर दोबारा से पढ़ूं, लिखा है इफ समथिंग हैज बीन डन इररेगुलरली व्हिच मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी एंटाइटल्ड टू डू रेगुलरली, या कंपनी कुछ ऐसा काम किया गया है जो इलीगली किया गया है, मेजॉरिटी चाहे तो उसको लीगली कर सकती है, तो ये फिर कोर्ट का मैटर नहीं है ना, फिर तो क्या है मीटिंग बुलाई जा सकती है और उसको पास ऑन कराया जा सकता है। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन ऐसा करूंगा, अल्ट्रा वायरस एक चीज है जो हम बात कर रहे थे और नीचे भी करेंगे, और एक है इंट्रा वायरस, सुना होगा आपने अल्ट्रा वायरस तो नहीं कर सकते, इंट्रा वायरस आप कर सकते हैं, मतलब क्या एग्जाम्पल देता हूँ आपको, देखिए ये कह दिया गया कि जैसे आपने सुना है चेक्स वगैरह डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कंपनी के बिहाफ पे साइन करते हैं, क्योंकि कंपनी तो अपने आप साइन कर नहीं सकती, तो आपने क्या रखा है कि बैंक को बोल रखा है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी में 3 डायरेक्टर है, ए बी एंड सी,
अब आपने बैंक को बोल रखा है कि भाई अगर 1 लाख रुपए तक का चेक आएगा तो कोई भी एक डायरेक्टर साइन करे, चाहे ए करे, चाहे बी करे, चाहे सी करे, बैंक जो होगा उसको क्लियर कर देगा। ये ड्राफ्टिंग में हम पढ़ते हैं, रेजोल्यूशन वगैरह वहां पे ऐसा रेजोल्यूशन बनाने को आता है। और इवन जब आप कहीं जॉब वगैरह भी करेंगे ना, ट्रेनिंग के तौर पर भी जॉब करेंगे किसी कंपनी में कहीं भी, तो ये सब चीजें बड़ी कॉमन होती है, इसलिए ध्यान से सुनिए। तो ABC जो कंपनी है उन्होंने ये कह रखा है कि चाहे ए साइन करे, चाहे चेक पे बी और चाहे सी, अगर ये इंडिविजुअली साइन करते हैं, मतलब एक ही बंदा साइन करता है सिर्फ चेक पे, तो उसकी मैक्सिमम पावर कंपनी के अकाउंट से विड्रॉ करने की जो है वो 1 लाख रुपए की है, ठीक है। अब अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा चाहिए तो ये कहा जा रहा है कि 2 डायरेक्टर्स को साइन करना पड़ेगा, चाहे वो ए बी करे, चाहे वो बी सी करे, चाहे वो ए सी करे, या जिस भी कॉम्बिनेशन में हो, चाहे मतलब बी ए हो, सी बी हो, सी ए हो, जैसे भी हो, मतलब 2 डायरेक्टर्स को साइन करना है अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा निकालना है। अभी क्या है, 2 लाख रुपए का चेक बनाया और सिर्फ बी ने साइन कर दिया, जब बैंक गया ये चेक तो बैंक ने तो रिजेक्ट कर दिया। अब बैंक ने ये रिजेक्ट कर दिया तो इसमें बैंक ने कुछ गलत नहीं किया, बैंक ने वही किया जो डेफिनेटली आपने उन्हें कहा था। पर आपको भी अगर इसको सही करना है तो क्या करना होगा, दोबारा से चेक आप बनाएंगे, 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, अप्रूव हो जाएगा, भाई ऐसे ही तो है। तो यही चीज यहाँ पे बात करेंगे कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है सही नहीं हुई है, जैसे कि ये चेक पे 2 लाख रुपए के चेक पे कितने लोगों के साइन होने चाहिए थे, 2 डायरेक्टर्स के, कौन से हैं वो इन तीनों में से 2 डायरेक्टर्स, इससे फर्क नहीं पड़ता, 2 के होने चाहिए थे, आपने वो काम गलत किया है, इररेगुलरली मतलब नॉर्मल जैसे करना चाहिए, रेगुलर तौर पे जैसे करना चाहिए वैसे नहीं किया है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे यही कह रहे हैं कि फिर दोबारा से जब हम इस चीज को करेंगे तो हम यही कर सकते हैं, उस चीज को जो गलती हमने करी है उसको रेक्टिफाई कर दें। कुछ बातें तो ऐसे होंगी जैसे मैंने आपको बताया, जबकि कुछ ऐसी हो सकती हैं जो हमें शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी कि हमने कुछ गलत कर दिया, आप इसको दोबारा से रेक्टिफाई करना है, दोबारा से सही करना है, तो फिर हम शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाएंगे, उस चीज को सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो यही बात जो है ये हमें समझने की जरूरत है कि बार बार कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे खुद के हाथ में है, बट मे बी द वे वी हैव डन दोस थिंग्स आर नॉट करेक्ट, सो इन दैट केस आप ऐसा कर सकते हैं। इन राजा एक नीचे केस दिया हुआ है, इन राजा हुंदरी इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्सेस नगेश्वर राव, ऑल इंडिया रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द कोर्ट विल नॉट इन जनरल इंटरवीन एट द इंस्टेंस ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द मैटर ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड विल नॉट इंटरफेयर विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बाय इट्स डायरेक्टर्स सो लॉन्ग एज दे आर एक्टिंग विद इन द पावर्स कंफर्ड ऑन देम under articles of the company. Moreover, if the directors are supported by majority shareholder in what they do, the minority can in general do nothing about it. मैंने आपको क्या कहा कुछ देर पहले, 10 लोग हैं या मैंने 5 का एग्जाम्पल लिया था और कहा था 5 में से 3 लोग एक तरफ आ गए हैं, तो 2 लोग के पास क्या ऑप्शन है, उनको वो बात माननी पड़ेगी। भाई नहीं अच्छा लगता आपको तो आप यही कर सकते हैं कि इन द ड्यू कोर्स आने वाले समय में कंपनी के तौर पे शेयर बेच सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं उससे, कि ठीक है भाई मेरी नहीं चलेगी। वो कहते हैं इधर माय वे और हाईवे, मतलब या तो मेरी चलेगी या मैं किसी की चलने नहीं दूंगा। तो वही चीज है कि भाई आपको अच्छा लगता है आप जुड़े कंपनी के साथ, नहीं अच्छा लगता है तो आप सरेंडर कर रहे हैं, मतलब अपने शेयर बेचें और चले जाएं कहीं और शेयर ले लें, यही तो तरीका है। तो यही उन्होंने कह दिया कि जब तक ऐसा नहीं लगेगा कि जो जो भी काम कर रहे हैं डायरेक्टर्स वो आर्टिकल्स के प्रोविजंस के बियॉन्ड है, अल्ट्रा वायरस है, कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। और ये बड़ा कॉमन है, मुझे एक बात बताइए कि आप एक घर के तौर पे, फैमिली के तौर पे काफी सारी चीजों की बात आपस में होती है, फैमिली है 4-5 लोग की, ज्वाइंट फैमिली है तो ज्यादा लोग हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अपनी लाइफ में भी बहुत सारे लोगों से लगाते हैं, तो क्या सारी एक्सपेक्टेशंस हमारी पूरी हो जाती हैं क्या, और अगर नहीं होती तो क्या हम कोर्ट चले जाते हैं क्या, या फिर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं क्या, नहीं, क्योंकि पता है हमें कि भाई अगर भाई ऐसे चल रहा है मुझे ठीक लगता है तो मैं आगे चलूंगा इस चीज के साथ, इस इंसान के साथ, नहीं अच्छा लगता तो मेरा रास्ता अलग है, उसका रास्ता अलग है, यही तो होता है नॉर्मल कंडीशंस में भी, तो यहाँ पे भी यही चीज है। From the above, it follows that when the company being a separate legal person from the members who compose it, the company is a proper person to bring in action. तो जो बात मैंने पहले भी कही और एक जो पैराग्राफ पहले पढ़ा वो हमने कह दिया कि मेजोरिटी के साथ ही जाना पड़ेगा, और उसके बाद ये कह दिया कि अगर ऐसा लगता है कि भाई जो काम कर रहे हैं डायरेक्टर्स वो सही नहीं है तो फिर हमें किसी तरीके से कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं कि सर आप कुछ करिए, आप कुछ करिए, आप कुछ बोलिए, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कंपनी भी तो अपने आप में एक सेपरेट आइडेंटिटी है उसकी, कंपनी अपने आप कोर्ट आ सकती है,
भाई डायरेक्टर्स अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो शेयर होल्डर्स कंपनी के बिहाफ पे कोर्ट आ सकते हैं, बिकॉज आप किस क्यों कहते हैं शेयर होल्डर्स को कि वो ओनर्स हैं, मालिक हैं वो, तो मालिक होने के नाते अपना राइट तो मांग रहे, कोर्ट आ ही सकते हैं ना। मतलब ये नहीं होगा, यहाँ पे एक लॉ में वर्ड हम पढ़ते हैं स्यू मोटो, कि कोर्ट अपने आप हर कंपनी में निगरानी बनाए रखे कि हाँ भाई सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। नहीं, कोई दिक्कत है तो कंपनी अपने नाम पे स्यू एंड बी स्यूड, उस तौर पे यहाँ बात करी जा रही है। और जब आगे फर्दर बढ़ते हैं तो एक और केस भी है, यहाँ पे लिखा है एडवर्ड्स वर्सेस हलवी। ये सारे केस इंडिया के बाहर के हैं फॉर श्योर, जो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे। रीस्टेटेड द रूल इन द फॉलोइंग टर्म्स, द रूल इन फॉस वर्सेस अबोटल कम्स टू नो मोर देन दिस। फर्स्ट, द प्रॉपर प्लेंटिफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द रॉन्ग एलीज टू बी डन टू द कंपनी इज प्राइम फेसिया द कंपनी इटसेल्फ। पहले पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा, फिर बात करेंगे। सेकेंडली, वेयर द अलीज रॉन्ग इज अ ट्रांजेक्शन विच माइट बी मेड बाइंडिंग ऑन द कंपनी बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स, no individual members is allowed to maintain an action in respect of the matter of the simple reason that if a mere majority of the members of the company is in favor of what has been done, then the question then carried question it cannot be that likha then it cannot be question if on the other hand a simple majority of the members of the company or association is against what has been done, there is no valid reason why the company itself should not sue. तो दो तीन बातें यहाँ पे करी गई। फर्स्ट पॉइंट से अगर मैं समझाना स्टार्ट करूँ, जहाँ पे लिखा है फर्स्ट द प्रॉपर प्लेंटिफ, लिखा है कि अगर मुझे एक बात बताइए कि अगर हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है तो हम खुद कहेंगे ना। बहुत बार होता है कि आपस में चार पांच फ्रेंड, देखिए मैं ये फ्रेंड्स वाले एग्जाम्पल जनरली इसलिए लेता हूँ क्योंकि जो भी लोग ये बात देख रहे हैं ये जनरली उनके साथ शायद कभी ना कभी हुआ होगा, बिकॉज मिसअंडरस्टैंडिंग आर द पार्ट ऑफ लाइफ। इन्हीं से हम सीखते हैं और इन्हीं से हमें समझ में आता है कि आगे से हमें क्या नहीं करना है या क्या करना है। अब फॉर एग्जाम्पल, चार पांच लोग का ग्रुप है, ज्यादा भी मान सकते हैं कम भी, मतलब इससे मेरे एग्जाम्पल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार पांच लोगों का ग्रुप है, अब क्या है कि बहुत बार आपस में, तो चार पांच लोगों का जो ग्रुप है उनके नाम ये हैं ए बी सी डी ई, डज नॉट रियली मैटर व्हाट इज द जेंडर, ठीक है। जेंडर कंफ्यूजन कन्फ्यूजन जो है वो जेंडर देख के नहीं होता, वो तो फिर एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब क्या है, यहाँ पे पांच लोग हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं। अब ए ने कोई बात जो है वो कह दी हंसी मजाक में, ए ने कोई बात जो है वो बी को कह दी हंसी मजाक में। आपस में पांच लोग बैठे थे, कहीं खा पी रहे थे, तो ए ने गलती से या जैसे भी हंसी मजाक में कोई बात बी को कह दी और वो बी को बुरी लग गई। तो सी जो है, पांच दोस्त हैं, सी जो है वो ए को बोलता है, भाई ए बाद में जब ये सब अपने अपने घर चले गए तो सी जो है मैसेज करता है, व्हाट्सएप करता है कि भाई मैं सी बोल रहा हूँ, लिख रहा है तो कह रहा है मैं सी हूँ, और ए जो तुमने आज बी को बात बोली है उससे बी जो है वो बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है। तो ए ये कह सकता है कि भाई पांचों दोस्त हैं, ए कह सकता है कि अगर बी को इतना बुरा लगा है तो वो मुझे खुद भी तो बता सकता है, वो तुम्हारे थ्रू क्यों कहलवा रहा है ये बात। मेरी बात समझ रहे हो आप, यही चीज यहाँ पे भी है। वो ये कह रहे हैं कि बार बार एक ही बात को अलग अलग तरीके से, कि कंपनी की अपनी पहचान है तो कंपनी अपने आप भी ये बता सकती है कि कंपनी को क्या सूट कर रहा है या क्या चीज कंपनी के विश के अगेंस्ट जा रही है। उसको जरूर एक इंसान की जरूरत है अपनी बात को रखने के लिए, बट फायदा और नुकसान तो बड़ा इम्पार्शल तरीके से देखा जा सकता है कि कंपनी का फायदा कहाँ पे और कंपनी का नुकसान कहाँ पे है। तो उन्होंने कह दिया कंपनी को दिक्कत होगी तो कंपनी अपने आप ही बताएगी कि किस चीज से उन्हें इशू है। दूसरी बात यह है कि अगर जो भी ट्रांजेक्शन करी गई है मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो इस बात से अग्री करते हैं कि जो ट्रांजेक्शन करी गई है वो सही है, तो ये कहते हैं फिर बात ही खत्म हो गई। जब सारे लोग जो हैं मेजॉरिटी, मतलब आप एटलीस्ट मोर देन 50% की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो उतने लोग अगर अग्री करते हैं तो फिर ठीक है, फिर क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है, क्योंकि भाई जो मेजॉरिटी है मैक्सिमम लोगों ने अग्री कर दिया तो फिर वो कुछ सोच के किया होगा। हाँ, अगर मैक्सिमम लोग डिसएग्री करते हैं फिर भी हमें चाहिए कि वो चीज होनी, माइनॉरिटी कहता है ये चीज करिए, मेजॉरिटी कहता है ये चीज नहीं करनी, सो दिस इज समथिंग दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द गिवन केस, कि मेजॉरिटी क्यों ये करने के लिए मना कर रहा है और माइनॉरिटी क्यों ये करना चाहता है। तो इन जनरल अगर मेजॉरिटी हाँ बोलता है तो फिर बात ही खत्म हो गई सही और गलत की, क्योंकि उन्होंने भी जरूर सोचा होगा प्रिज्यूमेबली कंपनी के बारे में और शायद कंपनी के बेटरमेंट के लिए ये डिसीजन लिया होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर ऐसा कुछ होता है जहाँ पे माइनॉरिटी को लगता है कि नहीं यार
होना चाहिए, जबकि मेजोरिटी मना करता है। सो फिर ये डिपेंड करेगा कि उस सिचुएशन में एग्जैक्टली हुआ क्या है। जस्टिफिकेशन एडवांटेज ऑफ द रूल ऑफ फॉर्स वर्सेस हार्बिटल लिखा है। तो जस्टिफिकेशन फॉर द रूल लेड डाउन इन फॉर्स वर्सेस हार्बिटल इज दैट द विल ऑफ द मेजोरिटी, बार बार यही कह रहे हैं, विल ऑफ द मेजोरिटी प्रिवेल्स, ऑन बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द कंपनी एज शेयर होल्डर्स अग्री टू सबमिट द विल टू द मेजोरिटी। द रूल रियली प्रिजर्व द राइट ऑफ मेजोरिटी टू डिसाइड हाउ द कंपनीज अफेयर शुड बी कंडक्टेड। इसमें कोई दोराय नहीं है। अगर एग्जामिनेशन में ये आता है कि भाई फॉर्स वर्सेस हार्बिटल क्या कहता है, जितनी भी बात अभी तक आप सुन के आए हैं, और इवन स्टार्टिंग में भी यही कहा था, जब ये रूल्स पहली लाइन भी नहीं पड़ी थी तब भी यही बोल दिया था कि देखो यहाँ पे यही बात करी गई है कि मेजोरिटी ऑलवेज विंस, जिसको हम कहते हैं कि जिसकी साइड में ज्यादातर ज्यादा लोग हैं या जिसका पलड़ा जो है वो ज्यादा भारी है, हिंदी में कहते हैं, वो डेफिनेटली जो है वो केस जीत जाएगा या उसकी बात जो है वो बात मान ली जाएगी। ये एक चीज यहाँ पे भी है। हाउएवर देखिए, हर चीज का कुछ भी है, हर चीज की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं। ये लिमिटेशंस होती हैं और बहुत बार बनाई इसलिए जाती हैं कि आप पावर्स का मिसयूज ना करें। अब आपको ये कह दिया गया फॉर एग्जांपल कि भाई ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, तो इसका मतलब फिर तो कुछ भी हो सकता है ना। किसी को क्या अच्छा लगता है, वो गलत है सही है, वो तो कहीं कहीं इस बात का एक्सटेंड तो कहीं तक भी हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने जरूर कह दिया कि मेजॉरिटी का प्रेफरेंस है, मेजॉरिटी जो बात कहेगी वो डेफिनेटली मानी जाएगी, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें कंसिडर करनी होगी इससे पहले हम हर चीज को क्लीन चिट दे सकें। वो नीचे हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन के तौर पर, बट यहाँ पे कुछ एडवांटेज उससे पहले लिखे, लिखा था मेन एडवांटेज दैट फ्लो फ्रॉम द फॉर्स वर्सेस हार्बिटल आर ऑफ प्योरली प्रैक्टिकल नेचर एंड आर एज फॉलोज। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सेपरेट आइडेंटिटी, आप जानते हैं कंपनी की, मैंने खुद ही कहा कि कंपनी को दिक्कत है तो कंपनी खुद बताएगी, कंपनी को दिक्कत है तो कंपनी के नाम पे या फिर कंपनी दूसरे के नाम पे केस फाइल कर सकती है। नीड टू प्रिजर्व द राइट ऑफ मेजोरिटी टू डिसाइड, क्योंकि पूरा का पूरा रूल इसी बेसिस पे काम करता है कि मेजोरिटी ही सब कुछ है। उनका ये मानना था कि मेजोरिटी जो करेगी अच्छा ही करेगी, मेजोरिटी कभी भी कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकती, तो इसलिए कह दिया मेजोरिटी जो है वो सही होगी। मल्टीप्लिसिटी ऑफ द फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब यूजलेस, जो यूज की नहीं है, जरूरत की नहीं है, सूट्स अवॉइडिंग। अगर आप ये देखने लगे ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे एक जनरल तौर पे देखिए कि अगर हर चीज के बारे में हम कोर्ट जा सकें और जाएं, मतलब जाते ही हैं लोग जनरली, तभी कोर्ट इतने ओवरलोडेड रहते हैं, पर अगर कोर्ट खुद ही इस चीज को एंटरटेन करे कि वो छोटी छोटी बातों में आपकी बात सुनता है, केस सुनता है, तो फॉर श्योर अननेसेसरी भी बहुत बार लोग उस पर जाने लगेंगे। जब कोई ऐसा कहता है, मैं एक जनरल तौर पे बात कर रहा हूँ, मे नॉट बी जो एग्जांपल है वो इस तरीके का, शायद आपको ना, बट ये जनरल नॉलेज से इंस्पायर्ड एग्जांपल है। वो ये कहते हैं कि देखिए, अगर कोई चीज़ जो है उसकी रीडली यानी उसकी अवेलेबिलिटी बहुत इजी है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, अगर वही चीज़ जो है वो कुछ पैसे में मिले या वो डिफिकल्ट तरीके से मिले तो उसकी वैल्यू अपने आप बन जाती है। जैसे कई बच्चे क्या है कि एक एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, सीएस बन जाते हैं, अभी आप लोग इस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं और आपके साथ मैं भी कर रहा हूँ, पर आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि आप सीएस बन जाएं और आगे बढ़े अपनी लाइफ के अंदर। कई बच्चे क्या है कि सीएस बन जाते हैं, उसके बाद भी वो उसकी रिलेवेंस जो है वो नहीं समझ पाते, उनको लगता है कि यार ये तो ऐसे ही है, बस मैंने अपना टाइम वेस्ट कर लिया। अब आप एक बात सोचो कि जो चीज आपकी स्किल है आप उसी के बारे में इतना नेगेटिव हो, तो दूसरे को अपनी स्किल्स, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट सेलिंग आवर स्किल्स, स्किल्स ही तो आपको बेचनी है। आप किसी कंपनी में जाते हैं तो क्या कोई सामान थोड़े बेचते हैं, स्किल्स ही तो बेचते हैं, आपकी लीगल नॉलेज की जो स्किल्स है, कम्युनिकेशन की जो स्किल्स है, एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्किल्स है, ड्राफ्टिंग की जो स्किल्स है, अपनी स्किल्स को खुद ही गलत कह रहे हो तो फिर दूसरे को कैसे कन्विंस करोगे कि आपकी स्किल्स अच्छी हैं या जो आपके पास है चीजें स्किल्स के तौर पर वो अच्छा है। तो उन्होंने यही कह दिया कि कुछ ऐसी चीजें होंगी जहाँ पे हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें इन चीजों को एंटरटेन नहीं करना। मतलब अगर हर शेयर होल्डर के प्रस्पेक्टिव से हम देखें, हर शेयर होल्डर कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ दिक्कत देके आएगा ही आएगा, क्योंकि सब खुश तो हो नहीं सकते। तो उन्होंने कहा अगर कोर्ट इस चीज को देखने लगे कि माइनॉरिटी वालों को भी भाई पावर दो, माइनॉरिटी की बात भी हम सुनेंगे उसके बाद डिसीजन लेंगे, तो वो कह रहे हैं कि बहुत सारे केस कोर्ट में आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि माइनॉरिटी तो फिर हर कोई है, वो आ जाएगा बार बार केस लेके कोर्ट में कि सर देखिए कंपनी मेरी ये बात नहीं मान रही, कोई और आएगा कहेगा मेरी ये बात नहीं मान रहे, तो ऐसे तो कोर्ट फिर डिसाइड करते करते थक जाएगा उन चीजों को। तो
जो मेजोरिटी का रूल उन्होंने एक डिफॉल्ट मान लिया, उससे ये सब दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि माइनॉरिटी वालों को पता है कि जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा कि अगर उन्हें रहना है तो इसी कंडीशन पे रहना होगा, नहीं तो वो कंपनी छोड़ के जा सकते हैं। अब एक्सेप्शन यहाँ पे दे रखे हैं टू द रूल ऑफ फॉस वर्सेस हार्बर्टल। द रूल इन फॉस वर्सेस हार्बर्टल इज नॉट एब्सोल्यूट बट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस। इन अदर वर्ड्स द रूल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द मेजोरिटी इज सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन। क्या लिखा है? द रूल ऑफ सुप्रीमेसी, ये कहना कि मेजोरिटी ऑलवेज विंस, ठीक है, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। एंड दस माइनॉरिटी शेयरहोल्डर आर नॉट लेफ्ट हेल्पलेस बट आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉमन लॉ एंड द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट। कुछ जो एक्सेप्शन है उसके अंदर सबसे पहला है अल्ट्रा वॉयस, जहाँ पे आप देख सकते हैं एक बंदा भी है जो कह रहा है स्टॉप। इसका मतलब ये कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, मेजोरिटी का टैग लेके आप ये लाइसेंस कोई नहीं देता आपको कि आप जो चाहें वो करें। कहीं ना कहीं लिमिटेशन उस पर भी हमें लगानी पड़ेगी। Whether directors representing the majority of the shareholders perform illegal or ultra vires act for the company, individual shareholder has a right to bring an action. The majority of the shareholder have no right to confirm an illegal or ultra vires transaction of the company. Example के तौर पे, जहाँ तक मैं समझता हूँ और इस समय जो ये बात है वो आज बहुत सही है, अगर मुझे एक private company बनानी है तो मुझे कितने directors चाहिए आपके हिसाब से? अगर एक प्राइवेट कंपनी बनानी है तो मुझे मिनिमम कितने डायरेक्टर्स चाहिए? शायद आपका जवाब होगा कि सर दो डायरेक्टर्स चाहिए आपको मिनिमम। ठीक है, अब दो थे इनिशियली, एक जो था वो चला गया फॉर एनी रीजन, अभी कंपनी के साथ नहीं है, एक ही अब मतलब चला जाएगा दो में से एक, तो एक ही बचेगा। तो शेयर होल्डर्स जो है 100 शेयर होल्डर्स है, 100 के 100 शेयर होल्डर्स ये कहते हैं कि ठीक है भाई एक है तो चलो एक ही चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हो गया मेजोरिटी से अप्रूव। बट क्या है कि आप इसको ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि फिर वही बात आ गई कि मेमोरेंडम आर्टिकल ज्यादा बड़े हैं, ये दोनों एक तरफ है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल जो है वो ज्यादा बड़े हैं, कंपनीज एक्ट बड़ा है। तो सवाल का जवाब पहले ही दिया कि कंपनीज एक्ट इन दोनों को ओवर रूल करेगा। कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है कि प्राइवेट कंपनी को चलाने के लिए आपको दो डायरेक्टर्स चाहिए ही चाहिए, दिस इज द मिनिमम बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये चाहिए ही चाहिए आपको। तो आप चाहे फिर 100 लोग हो, चाहे आप 1000 लोग हो, चाहे 1 लाख लोग हो, या इससे ज्यादा क्यों ना हो, आप अगर सारे के सारे भी अग्री कर लेते हैं इस चीज से, तब भी लॉ के प्रोविजंस को तो आप नहीं बदल सकते ना। तो अल्ट्रा वॉयरेंस या मेजोरिटी की एक्सटेंट वहीं तक है जहां पे रूल के प्रोविजंस के बियॉन्ड अब नहीं जा रहे। जहां पे रूल्स के प्रोविजन के बियॉन्ड चले जाएंगे तो फिर वहां पे मेजोरिटी और माइनॉरिटी अपनी रिलेवेंस खत्म कर देंगे, फिर तो जो रूल ऑफ लॉ है वो चलेगा, क्या मेजोरिटी है क्या माइनॉरिटी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द रूल ऑफ फॉर्स वर्सेस हार्बर्टल विल ऑपरेट इन फुल फोर्स ओनली व्हेन द मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर थ्रू देयर चूज़न डायरेक्टर्स एक्ट विद द एक्सटेंट ऑफ द पावर्स ऑफ द कंपनी। तो ये मेक श्योर करना होगा हमें कि जो रूल है फॉर्स वर्सेस हार्बर्टल का, जो ये कहता है कि मेजोरिटी प्रिवेल्स वाली बात, वो तभी चल सकता है जब जो काम करा जाए वो काम हो जो कि कंपनी की पावर्स, कंपनी के एरिया, कंपनी की मेमोरेंडम आर्टिकल्स जो है उसके प्रोविजंस के इनसाइड हो। कहीं भी आप कभी भी किसी भी तरीके से ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप यही पाएंगे कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी कुछ नहीं होगा, जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस है उनको किसी भी तरीके से बाईपास या बॉयकॉट नहीं किया जा सकता। दूसरा है फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी। हम पहले से कह रहे हैं कि जो फॉस वर्सेस हार्बर्टल का रूल है वो ये कहता है कि मेजॉरिटी ही सब कुछ है, मेजॉरिटी ही भगवान है और मेजॉरिटी जो कहेगा वो हमें मानना पड़ेगा। पर यहाँ पे हम जब एक्सेप्शंस की बात करें तो पॉइंट सेकंड कहता है कि अगर माइनॉरिटी जो है वो इसलिए अपोज कर रहा है क्योंकि माइनॉरिटी बात नहीं मान रहा, तभी वो अलग थलग पड़े, जो अलग थलग है वही तो माइनॉरिटी है, जो एकजुट हो गए वो तो मेजॉरिटी हो गए। तो जो अलग थलग पड़ गए, जो अलग रह गए, वो इसलिए अलग थे क्योंकि उनका नुकसान हो रहा था और कोई भी, चाहे मैं हूँ या आप हो, कोई भी हो, जान के अपना नुकसान कोई भी नहीं करना चाहेगा। अनजाने में ठीक है कि हमसे गलती हो गई, नुकसान हो गया, कुछ भी है, वो एक अलग बात है, बट जानबूझ के मुझे नहीं लगता हम अपना कोई नुकसान करेंगे। तो माइनॉरिटी यही कह रहा था भाई ये मत करो, इसमें हमारा नुकसान है। तो मेजॉरिटी वालों का, क्योंकि उसमें कोई नुकसान नहीं था, तो मेजॉरिटी वाले तो कहते हैं ये चीज करो करो, और माइनॉरिटी कह रहे हैं मत करो क्योंकि हमारा इसके अंदर नुकसान है। तो माइनॉरिटी उस चीज को अपोज कर रहा है। सो इन दैट केस आपने कह दिया फिर मेजॉरिटी वाला रूल नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें समझना है, मैंने इसी लेक्चर के दौरान पहले पहले ये बताया था कि ऑब्जेक्टिविटी डेमोक्रेसी की, शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी की ऑब्जेक्टिविटी ये है कि इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी जो है शुड प्रिवेल। शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, स्टेक होल्डर्स, ये सब
शायद बात की बातें हैं। सबसे पहले कंपनी जिस लिए या जिस पर्पस से, जिस मकसद से या जिस ऑब्जेक्टिव से हम एक साथ यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो कंपनी है। अब कंपनी ही अगर इधर उधर डेविएट करेगी चीजों को लेके तो फिर तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर समझाएगी कि अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को किसी भी तरीके से दिक्कत आ रही है, कुछ ऐसा करा जा रहा है जहाँ पे मेजोरिटी को, तो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा बट माइनॉरिटी का नुकसान हो रहा है, तो फॉर श्योर माइनॉरिटी उस चीज को अपोज कर सकते हैं। और यहाँ पे जहाँ माइनॉरिटी का नुकसान है वहां पे ये रूल नहीं चल सकता कि मेजोरिटी जो भी कहेगी वो मान लिया जाएगा। ठीक है, ज्यादातर बातें मेजोरिटी की मान सकते हैं बट सब नहीं मान सकते, स्पेशली तब जब उनकी कोई ऐसी बात है जिसमें सामने वालों को नुकसान है और वो लेजिमिनेट नहीं है, सही नहीं है। सो इन मेनियर वर्सेस हॉपर, ये भी इंटरनेशनल कोई केस लॉ है, बाहर का इंडिया का नहीं है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट इट वुड बी शॉकिंग थिंग इफ द मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स आर अलाउड टू पुट समथिंग इनटू देयर पॉकेट्स at the expense of the minority. In this case, एक example दिया था, majority of the members of A were also the members of B. तो कुछ ऐसे लोग हैं जो company A के भी members हैं और company B के भी हैं. And at the meeting of the company A, they passed a resolution to compromise an action against B in the manner which is favorable to the company B but unfavorable to company A. Held majority, minority shareholders of A could bring an action to have the compromise set aside. ठीक है, अब मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक कंपनी है A और एक कंपनी है B. कुछ लोग हैं, ऐसे मैं कह देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुछ भी लिखना है, ये नाम है। तो दो कंपनीज हैं, अब प्राइवेट लिमिटेड वो सब छोड़ दीजिए, सिर्फ कंपनीज के तौर पे हमें समझना है, क्योंकि चाहे आप प्राइवेट लगाइए लिमिटेड लगाइए, इस एग्जाम्पल पे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस बात का। तो ये दो कंपनीज हैं और ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शेयर होल्डर्स हैं। सो 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक जो है वो ए में भी शेयर होल्डर हैं और ये 1 से 6 तक जो है ये बी में भी शेयर होल्डर हैं। अब हुआ क्या, इन दोनों कंपनी के बीच में आपस में कोई डिस्प्यूट हुआ है, तो जो कंपनी ए है वो कंपनी बी पे केस फाइल करने की तैयारी कर चुकी है पूरी की पूरी, बट इससे पहले एक मीटिंग बुलाई जा रही है और शेयर होल्डर से उनका पर्सपेक्टिव पूछा जा रहा है। तो ये जो 6 शेयर होल्डर हैं, क्योंकि ये ए में भी हैं, ये बी में भी हैं, तो ये कहते हैं मतलब, और ये 3 जो हैं ये सिर्फ 7, 8, 9 जो हैं सिर्फ ए के अंदर शेयर होल्डर हैं, जबकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ए में भी हैं और बी में भी हैं। तो जो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मीटिंग में सारे 9 के 9 लोग आते हैं, तो इनसे बातचीत करी जाती है और सवाल ये है कि भाई जो ए कंपनी है वो बी पे केस फाइल करना चाहती है तो करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आपस में दोनों कंपनीज के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ है। अब क्योंकि ये जो 6 लोग हैं तो कॉमन है दोनों कंपनीज में, तो ये कहते हैं भाई हमारा बी, अब ए कंपनी जो है वो बी पे केस फाइल करेगी और प्रेज्यूमेबली अगर ए की बात जो है वो सही है तो हमारा तो एक तरीके से जो ये लोग हैं इनका तो यहाँ पे नुकसान हो जाएगा ना बी में, क्योंकि अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स के रेपुटेशन पे ऐसे कह दीजिए कि जब भी कोई ऐसा केस वगैरह फाइल किया जाता है कंपनी के शेयर के प्राइस में बहुत फर्क पड़ता है। और अगर मैंने 100 रुपए का शेयर खरीदा था, केस वगैरह फाइल हो गया, कंपनी हार गई जिसका मैंने शेयर खरीदा है, जो कंपनी बी है उसका शेयर 100 का मैंने खरीदा था, अभी 70 रुपए का रह गया, तो 30 रुपए पर शेयर तो मेरा नुकसान हो रहा है ना। ये तो ये जो 6 लोग हैं जो कॉमन है ये मीटिंग में क्या है मेजोरिटी, आप देख ही रहे हैं 9 लोग में से 6 एक तरफ हो गए, तो ये मना कर देते हैं मीटिंग में, एक ही मीटिंग पे आते हैं और कहते हैं नहीं रहने दो, बी पे हम केस नहीं फाइल करेंगे। तो इसमें क्या है कि इनका तो खुद का तो फायदा है, क्योंकि इन्हें पता है कि बी में अगर केस फाइल हुआ और बी में सिर्फ ये 6 शेयर होल्डर हैं तो सारा का सारा जो लॉस होगा, जो दिक्कत आएगी वो इन्हें बियर करनी पड़ेगी। तो ये अपना पर्सपेक्टिव, ये नहीं सोच रहे कि ए की भलाई किसमें है, ये नहीं सोच रहे कि ए का फायदा किसमें है, ये सोच रहे हैं कि हमारा, हम 6 लोगों का फायदा किसमें है। तो हम कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी चीज होगी जहाँ पे किसी भी तरीके से आप इस तौर पे बात करेंगे, जहाँ पे आप शेयर होल्डर्स होने के नाते, मेजोरिटी होने के नाते अपना फायदा देखेंगे, जबकि जो 7, 8, 9 है वो सिर्फ ए में शेयर होल्डर है, तो वो तो कह रहे हैं सर बिल्कुल बी में केस फाइल करो, बनता ही है केस फाइल करना, बट ये 6 जो है क्योंकि मेजोरिटी, वो जो फर्स्ट वर्सेस हर्डल का रूल है वो तो कहता है कि मेजोरिटी का जो डिसीजन होगा वो माना जाएगा, तो मेजोरिटी तो कह रही है मत करो, बट यहाँ पे मत करो का जो ऑब्जेक्टिव है कि मत करो केस फाइल, जो कंपनी ए के 6 बंदे हैं जो कॉमन है बी में भी, उनका ये कहने का ऑब्जेक्टिव कि कंपनी ए बी पे केस ना फाइल करे ये नहीं है कि कंपनी ए का क्या होगा और बी का क्या होगा, वो अपना फायदा देख रहे हैं। तो हम कह रहे हैं अगर ऐसा कुछ होता है और जहाँ पे
ऐसी कोई भी बात हो रही है और फिर माइनॉरिटी 7, 8, 9 अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है, वीक एक तरीके से फील कर रही है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, फिर वो डेफिनेटली कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकती है। और जो जनरल रूल चलता है ये कह के कि मेजॉरिटी हमेशा चलेगी, वो माइनॉरिटी के साथ जो अभी मैंने एग्जाम्पल बताया उसमें अगर फ्रॉड हो रहा है तो फिर मेजॉरिटी की बात नहीं सुनी जाएगी। रॉन्ग डूअर्स इन कंट्रोल, रॉन्ग डूअर्स मतलब करता धरता, कंट्रोल मतलब उनके पास पावर है। तो लिखा है द रीजन फॉर इट इज दैट इफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स आर डिनाइड द राइट ऑफ एक्शन देयर ग्रीवियंस इन सच केस वुड नेवर रीच द कोर्ट फॉर द रॉन्ग डूअर्स देमसेल्फ बीइंग इन कंट्रोल विल नेवर अलाउ द कंपनी टू सू। मुझे एक बात बताइए, वही जो मैंने ऊपर कहा उसी तौर पर ये दूसरा एग्जाम्पल एक तरीके से मैं रख दूँ इसके लिए कि क्या मैंने ऊपर कहा था ना कि क्या हम चाहेंगे हमारा कोई नुकसान हो, तो उस समय ऑब्वियसली जवाब था कि नहीं, हम क्यों चाहेंगे हमारा कोई नुकसान हो, ना ही हमें अपना नुकसान सोचना चाहिए मेरे हिसाब से, ना ही दूसरे का करना चाहिए। बट यहाँ जो थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है कि जो डायरेक्टर्स हैं वो अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे और कभी करने ही नहीं देंगे कि कंपनी में, कंपनी अल्टीमेटली डे टू डे कौन मैनेज कर रहा है, डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर्स ही गलत कर रहे हैं और डायरेक्टर्स ही डे टू डे मैनेज करने वाले, तो डायरेक्टर्स तो कभी नहीं चाहेंगे कि कंपनी उन पे केस फाइल करे। सो अगर कुछ ऐसा हो जा रहा है जहाँ पे जो लोग पावर में बैठे हैं, जो लोग कंट्रोल में बैठे हैं, डे टू डे मैनेजमेंट में बैठे हैं, वो खुद ही गलत करते हैं, बट उन्हें पता है कि हम गलत करेंगे तो भाई हमारे ऊपर तो कोई है नहीं क्योंकि कंपनी हमने चलानी है, तो इन दैट केस अगर किसी शेयर होल्डर को पता चलता है तो वो फिर डेफिनेटली उन डायरेक्टर्स पे केस फाइल कर सकता है, भले वो माइनॉरिटी ही। रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल मेजोरिटी पर पास बाय सिंपल मेजोरिटी, में किसी चीज को चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन, आपने उसको ऑर्डिनरी से पास कर दिया। आप कहेंगे सर एग्जाम्पल दीजिए, आप एग्जाम्पल बहुत देते हैं, तो मैं सच बताऊँ एग्जाम्पल देना मुझे अच्छा लगता है। और मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं इससे पहले कॉर्पोरेट फंडिंग के बारे में बात कर रहा था, तो वहाँ पे भी और मेरी हर क्लास में आप देखेंगे हर टॉपिक के साथ इतने एग्जाम्पल्स अटैच कर दिए कि कहीं कुछ रह भी जाएगा ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि यार नहीं समझ में आ रहा, उसका एग्जाम्पल दे दे के दिमाग में बात बिठाई देनी है, मैंने जैसे भी है बिठाई देनी है वो बात। तो खैर यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कंपनी का नाम चेंज करना है, कंपनी का नाम इस समय एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड है या लिमिटेड है, ठीक है, एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड टू कीप इट सिंपल। तो अभी हमें इसका नाम जो है वो एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड से चेंज करके एबीसी प्राइवेट लिमिटेड रखना है, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ सर। तो इसके लिए क्या चाहिए कि ऑर्डिनरी से हो जाएगा क्या ये काम? आप कहेंगे नहीं सर, इसके लिए तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। तो वही बात है, चाहिए था स्पेशल नाम चेंज कराने के लिए, एज पर द लॉ चाहिए स्पेशल। कंपनी ने अपने आप क्या किया, ऑर्डिनरी यानी 51% लोगों ने हाँ बोल दिया, 49 मना कर रहे हैं, तो नहीं पास हुआ ना फिर ये। और वो कहते नहीं, और हम भले चाहिए होगा स्पेशल बट हमारी कंपनी में तो ऑर्डिनरी से भी ये काम चल सकता है, तो अगर आप ऐसा कुछ भी करेंगे तो जो बाकी लोग हैं वो जा सकते हैं ना कोर्ट, कह सकते हैं भाई जो चीज़ को स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए कंपनी एक्ट में लिखा है, तो फिर कंपनी का कोई डायरेक्टर या कोई और कौन होता है उस बात को ओवररूल करने के लिए। आपको पता है एजीएम ईजीएम बुलाई जाती है 21 दिन 24 दिन का नोटिस सर्व किया जाता है, तो अगर आप नोटिस नहीं सर्व करेंगे तो ये भी एक क्वेश्चन उठाया जा सकता है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ब्रीच ऑफ ड्यूटी का मतलब यहाँ पे ये है जो आपकी ड्यूटी है आप उसको सही से फुलफिल ना करें। द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स मे ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट द कंपनी वेयर ऑल्दो देयर इज नो फ्रॉड देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय द डायरेक्टर्स एंड मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स टू द डिटरमिनेंट ऑफ द कंपनी। तो देखिए यही नहीं है एक एक क्राइटेरिया किसी पे केस फाइल करने का कि उसने फ्रॉड किया हो, बट अगर कोई कंपनी के इंटरेस्ट के लिए नहीं काम कर रहा, कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो वो भी अपने आप में एक सवाल हो सकता है। तो यहाँ पे नीचे एग्जांपल लिखा है, पढ़ते हैं। इन डैनियल वर्सेस डैनियल द प्लेंटिफ हु वाज द माइनॉरिटी शेयरहोल्डर ऑफ द कंपनी ब्रॉट एन एक्शन अगेंस्ट द टू डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड द कंपनी इटसेल्फ इन देयर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम दे अलीज मतलब उन्होंने इल्जाम लगाए दैट द कंपनी ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ टू डायरेक्टर्स हु वर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स सोल्ड द कंपनी लैंड ऑफ टू वन ऑफ द डायरेक्टर्स हु वाज अ वाइफ ऑफ अनदर फॉर यूरो 4250 एंड द डायरेक्टर नो और ऑट टू नो, या तो उन्हें पता था या उन्हें पता होना चाहिए था द सेल वॉज एट अंडर वैल्यू
4 ईयर्स लेटर जिस डायरेक्टर को ये लैंड 4,250 रुपए कह देता हूँ, यहाँ पे यूरो लिखा है, यूरो पाउंड, तो वही जो लैंड थी जो 4,250 में कंपनी ने सामने वाले को एक डायरेक्टर को बेची थी, कुछ ही समय के बाद 4 साल के बाद आप देख लीजिए, आप यूरो और पाउंड भूल जाइए, 4,250 रुपए की बात चलिए करिए, 4,250 में कंपनी ने लैंड दी दूसरे डायरेक्टर को और 4 साल के बाद उसी डायरेक्टर ने ये लैंड 1,20,000 की बेची। अब आप सोच लीजिए कितना, ये तो 10,000 भी नहीं है, 5,000 भी नहीं है, उसने 1,20,000 की बेची। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट फ्रॉड, बट बात ये थी कि अपनी ड्यूटी तो हम सही से करें। आप बात बताइए कि आप कंपनी चला रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि लैंड का क्या प्राइस है क्या नहीं। ये 1,20,000 की ठीक है ओवर द टाइम पीरियड फॉर श्योर, इसमें आपको ये दोहराया नहीं है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड होते हैं और हमें नहीं पता होता कि कल क्या होने वाला है। जैसे कि एक एग्जाम्पल, अभी कुछ साल पहले आपको पता होगा डीमोनेटाइजेशन हुआ। अब डीमोनेटाइजेशन से एकदम बाद बहुत सारी चीजें, खासकर रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा दिक्कतें आई, तो वो एक ऐसी चीज है जो किसी को नहीं पता है शायद, बट ऐसी चीजों का बारे में पता होना चाहिए, और वो भी स्पेशली तब जब आपस में हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तो उन्होंने ये कह दिया, जरूरी नहीं है कि आंखों के सामने ही फ्रॉड हो, आंखों के सामने ही कोई आपसे पैसे लेके जाए तो आप फ्रॉड माने। कोई भी इस तरीके से काम किया जा रहा है जिससे इंटेंशनली इनडायरेक्टली ये लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव यही था कि कैसे भी कंपनी को नुकसान पहुंचाया जाए या फायदा ना होने दिया जाए, ये कंपनी का फायदा ना करा जाए, अपना खुद का फायदा कर लिया जाए, ये भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, यानी ड्यूटीज को सही तरीके से ना निभाना उसी क्राइटेरिया के अंदर आएगा। और पॉइंट भी यहाँ पे दे रखा है जिसका नाम है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ऑल्दो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम आज बात करेंगे, बाकी हम जब पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, पार्ट 2 था जो अब ऑलमोस्ट टू द एंड पहुंच चुका है, पर थोड़ी सी बात हम जरूर यहाँ पे कर लेते हैं कि ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट क्या होता है, स्पेशली ऑपरेशन क्या होता है। देखिए ये कहना गलत नहीं है कि जब माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के सामने ऐसी सिचुएशन रख दी जाती है कि उनके पास हाँ करने के अलावा कोई और ऑप्शन होता नहीं है, और वो हाँ इसलिए करते हैं बिकॉज दे सेड दे डोंट हैव एनी ऑप्शन, और शायद उस समय जो वो हाँ करते हैं वो उनका खुद का ही बहुत ज़्यादा उस ट्रांजेक्शन में नुकसान होता है, बट एज आई सेड दे डोंट हैव एनी ऑप्शन, सो उन्हें वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ती है। सो समथिंग जो आपकी विल के अगेंस्ट हो, जैसे आप इस डायग्राम में भी शायद देख पा रहे होंगे इस काइंड ऑफ अ पिक्चर में, कि यहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल ने दूसरे को अपनी विल के बेसिस पे उठा दिया, वो यहाँ थे बट उनको उठा के अपने पास एक तरीके से ले गए, तो और किसी दूसरे को बहुत ही दूर कर दिया। तो आई थिंक जब अपनी मर्जी नहीं चलती हमारी बहुत सारी चीज़ों पे और जिस पे चलनी चाहिए और उसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है, वो ऑपरेशन की डेफिनेशन में आता है। काफ़ी डिटेल बात है बट आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लिखा है ना, बेनेट कॉलमैन एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया का केस है। द डिविजनल बेंच ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 397 एंड 398 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 आर इंटेंडेड टू अवॉइड वाइंडिंग ऑफ द कंपनी इफ पॉसिबल and keep it going while at the same time revealing the minority shareholders from the act of operational mismanagement or preventing its affair from being conducted in a manner harmful to the public interest. Thus, the court has wide powers to supplement the entire corporate management by resorting to non-corporate management, which may take the form of appointing an administrator or a special officer or a committee of advisor who will be in charge of the affairs of the company. देखिए पहले ही कुछ देर पहले मैंने क्लैरिफाई किया और अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करी कि कैसे कोर्ट जो होगा वो जनरली कंपनी के इंटरनल फंक्शनैलिटी में इंटरफेयर नहीं करेगा, पर कुछ सिचुएशन ऐसी आ सकती है जहां पे ज़रूर ऐसा लगेगा कि कोर्ट को अब सामने आना चाहिए, कोर्ट को कुछ बोलना चाहिए, स्पेशली तब जब पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट कुछ हो रहा होगा। तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पे दैट केस जो कोर्ट होगा वो इंटरनल मैनेजमेंट के काइंड ऑफ अ चीज जो है, प्रोपोगेंडा जो है, उसको भूल जाएगा और फिर कोर्ट अपनी तरफ से किसी एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर को, जिसको आप एडमिनिस्ट्रेटर भी कह सकते हैं, उसको अपॉइंट करेगा और वो जाके ये मेक श्योर करेगा कि कंपनी के अफेयर्स जो हैं, जो कंपनी का काम है डे टू डे मैनेजमेंट का, वो किस तरीके से चल रहा है। बिकॉज अगर देखिए इल्ज़ाम लगाने के लिए तो चोर कभी भी नहीं कहेगा कि वो चोर है ना, जिसपे चोरी का इल्ज़ाम लगाया वो कभी शायद नहीं मानेगा, और जिसने इल्ज़ाम लगाना है वो यही कहेगा कि भाई फलाना बंदे ने चोरी करी है। तो अगर हम इसकी सच्चाई पता करनी है तो हमें अपने आप एक जांच करानी होगी, हमें अपने आप एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन कैरेट आउट करनी होगी।
तो अगर वही कोर्ट के साथ भी है कि अगर कोर्ट को लगता है कि भाई जो भी बात सामने रखी गई है दोनों ही प्रस्पेक्टिव पे सही लग रही है बात, तो और कोई रास्ता नहीं। अब बिना पूरी डिटेल जाने कैसे आप किसी की साइड दे सकते हैं, स्पेशली कोर्ट जिस पर आप इतना विश्वास करते हैं, तो वो फिर डेफिनेटली इंटरफेयर करेगा। और ये जो इंटरफेरेंस होगा ये एक इम्पार्शल अथॉरिटी अपॉइंट करके किया जाएगा, जो कंपनी के अफेयर्स में इन्वेस्टिगेट करने के बाद सामने रिजल्ट रख पाएंगे कि जो हुआ वो सही था नहीं था या किस तरीके से और बेटर बनाया जा सकता है। सो आज के लिए इतना ही, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विच इज द पार्ट नंबर 3, जैसे कि मैंने आपको कहा। सो दिस वाज अ पार्ट नंबर 2, और जब 3 में मिलेंगे तो ऑपरेशन के बारे में और ज्यादा बात करेंगे और सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है। और मुझे पूरी उम्मीद है जो बात आज हमने करी है इस चैप्टर को लेके आपको समझ में आई होगी। अगर आपका फिर भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई कंसर्न है, कोई डाउट है, तो प्लीज मुझे बताइएगा। I will be more than happy to help you. Thank you so much once again for your time today, and I shall see you very soon. Always remember, take care of yourself, and then always remember for CS professional, FCA Shantanu Mandari. Thank you so much.